दोनों बालवीरों को खत्म करने के लिए हमारा अगला हथियार है वो। तुमने हथियार कहा, लेकिन ये तो एक गोरिल्ला की मूर्ति। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, क्योंकि एक जमाने में बुराई फैलाने में मेरा ये साथ देता था, मेरा मित्र। मैं समझा नहीं। अब से बहुत साल पहले मैंने अपने जादू से इस वन मानुष को अच्छाई का खात्मा करने के लिए पैदा किया था। उसके बाद मैंने इस वन मानुष को दुनिया में आतंक मचाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वीर लोक वालों ने इसे अपने जादू से पत्थर की मूर्ति बना दिया। लेकिन ये अभी भी जिंदा है रे। तुम्हारा मतलब है ये डेंजरस गोरिल्ला इस स्टैचू में अभी भी जिंदा है? हाँ। Then what are we waiting for? अभी आजाद करवाते हैं तुम्हारे इस दोस्त को। ना 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 रे, इस वन मानुष को पत्थर की मूर्ति अच्छाई की शक्तियों ने बनाया था, तो इसे वापस जगाने के लिए भी अच्छाई की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मेरे पास एक योजना है, भारत नगर वालों की पिकनिक। अच्छा सुनो सुनो बच्चे लोग, अभी हम पहुंचने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पिकनिक स्पॉट पे लिमिट से ज्यादा बदमाशी शैतानी नहीं करनी है। ओके ओके। चिट्टी, अगर पिकनिक में बदमाशी नहीं हुई तो पिकनिक पूरी कैसे होगी? ए चिंटू सावधान, कानून की नजर तुम पे है। अरे मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप लोग? नहीं करेंगे बदमाशी। अच्छा सब बच्चे सुन लो, कोई भी बच्चा पिकनिक स्पॉट पर प्लास्टिक बॉटल्स या पॉलीबैग्स नहीं फेंकेगा। ओके, नेचर को क्लीन रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है? हाँ आंटी बिल्कुल। ये अगर बस इतना धीरे धीरे चलेगी हाँ। तो हम पिकनिक पर पहुँच ही रहेंगे। हाँ। कंडक्टर बाबू, ये ड्राइवर को बोलो ना जरा थोड़ा जल्दी गाड़ी भगाए। हाँ। हाँ। चलो भैया जी, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। डबक डबक डबक, अरे घोड़ा चलाओ घोड़ा। अरे कैसी लग रही हूँ मैं? बंदरिया। अब वो पीछे बंदरिया है बैकग्राउंड में, मैं उसकी फोटो खींचता हूँ। मेरा ही क्या तुमने? मुझे लगा मुझे बोला। अरे वाह चिंटू चिंटी बेटा, भूख लगे तो आ जाना खाना खाने। अरे वाह ये भी आ गए। हेलो, बच्चों को भूखा मारने का प्लान है क्या? कहाँ आपने पद्मिनी जी? कुछ नहीं, बच्चे धूप में खेल रहे हैं ना। अरे कामिनी जी, इतने छोटे टिफिन, आप लोग डाइटिंग पर है क्या? अरे वो क्या है ना करुणा जी, कि हमारी फैमिली आजकल, अरे ध्यान से खेलो। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, हमारी फैमिली इंटरनेशनल कीटो डाइट पे। कीटो डाइट में सिर्फ प्रोटीन ही खाया जाता है, बहुत महंगा वाला। तो हमसे प्रोटीन ही लाए, और अगर मान लो हमारे चिंटू चिंटी का प्रोटीन से पेट ना ही भरा, तो इतने सारे टिफिन तो हैं, शेयर कर लेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग।
कर लेंगे शेयर कर लेंगे। अरे दोस्तों रिंकू सबने खुशी दी थी, हम एक काम करते हैं, हम इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, ओके। चलो। अरे बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ, ओके। चल, वहाँ चल। करुणा जी, इंस्पेक्टर गिरपड़े की नजर बच्चों पर है। दूरबीन है क्या? हाँ एक है ना। अरे मैं जा रहा हूँ। भैया ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खंडहर लग रहा है, चलिए ना थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सुतली चल हम फोटो खींचने चलते हैं। हाँ चल। छोटे बालवीर और उसके चारों दोस्तों को अपने कब्जे में लेने से पहले हमें बड़े बालवीर को बच्चों से दूर करना होगा। उसके लिए एक सिंपल प्लान है मेरे पास। अब मैं रचूंगा इन सब के लिए एक चक्रव्यूह जिसमें सिर्फ एंट्री का साइन है, एग्जिट का नहीं। ऐसे भागम दौड़ी वाले भी कोई गेम होते हैं? इससे बढ़िया तो मॉल चले जाते। हाँ मॉल जाके कम से कम फ्रेंच फ्राइज पिज्जा बर्गर ये सब खाने को मिलता और हाँ। आराम से बैठ के मूवी तो देखते। खाने पीने से अच्छा और एंटरटेनमेंट क्या होता है चिंटी? ये भी कोई पिकनिक होती है, वॉक करो, फुटबॉल खेलो, हाइक करो, धूप में अपना पसीना बहाओ। हाउ बोरिंग। बहुत बोरियत हो रही है। अच्छा आप हो। हाँ और बोरियत हो रही तो आपको क्या? कुछ नहीं, बोरियत दूर करने के लिए फिर से भागम दौड़ी वाले गेम, यही तो हमें नहीं पसंद। पर अगर तुम ये गेम जीत जाओ तो 1,000 रुपए प्राइज मनी मिल सकता है। हजार रुपए? 1,000 रुपए में तो हम मॉल में जाके कितने सारे पिज्जा खा सकते हैं चिंटी। भैया चल चिंटी। भैया ये इन लोगों ने इस इनोसेंट गोरिल्ला को चेन से क्यों बांधा हुआ है? अब विवान अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जानवर निर्दोष ना। यू आर राइट भैया, एक ही इमेज को देखकर हम पूरी स्टोरी नहीं जान सकते। देबू विवान लो माँ बुला रही, चल देखो। आप एक बार ये लीजिए करना आंटी। अरे देवू विवान कहाँ थे तुम लोग, हमारे साथ आओ ना खेलने, आओ। हाँ ये ले। अब बाद में बात। अरे रिंकू चल दे। अरे वाह मेरा फ्रिज भी तो हवा में स्पिन हो गया। भैया इस बार 1,000 रुपए पक्का है। हाँ चिंटी देवू भैया जल्दी से फ्रिज भी ले आइए ना। हाँ मैं लेकर आता हूँ।
लवकर जा लवकर जा। सीनियर बालवीर तो गेम से आउट हो गया, अब बारी है छोटे बालवीर की। अगर मैंने फ्रिसबी फेंका होता ना ओलंपिक्स में तो अब तक मुझे गोल्ड मेडल मिल गया होता। चिंटू ओलंपिक्स में फ्रिसबी नहीं होता। अरे तू चुप रह रहा, जनरल नॉलेज की किताब। अच्छा अच्छा सुनो, जब तक देवू फ्रिसबी लेकर आता है ना तब तक तुम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ओके आंटी। हाँ ठीक है आ जाओ। हाँ खाने का ब्रेक लेते हैं, भूख भी लगी है। ओलंपिक्स में फ्रिसबी नहीं होती। कौन बोला कौन बोला? हाँ। अरे बच्चो तुमने पीछे वाला खंडर देखा है? हाँ, हमने तो देख लिया। देखा है लेकिन अंदर से देखा है। क्यों वहाँ क्या है? हाँ? अरे अंदर बहुत मजेदार चीजें, चलो देखो। अच्छा तुम चलो फ्रेंड। हाँ तुम लोग चलो, मैं पानी पी के आती हूँ। ओके दीदी माँ हम आते हैं। चल 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 उधर आ जा। बच्चों पता है दुनिया की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग का नाम है मैट्रोवीजा केव पेंटिंग, स्पेन में है और 64,000 इयर्स पुरानी है। 64,000 इयर्स? अरे वाह। वाओ वाओ। इस खंडर में तो सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि स्टैचू भी है। हाँ हो गया, मुझे भूख लग रही है गाइस, चलो ना बर्गर खाते हैं। हाँ हाँ क्या चिंटू, बर्गर तो हम कभी भी खा सकते हैं। और वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना खंडर में घूमने को मिलता है। एक मिनट अगर चिंटी को भूख लगी है तो पहले खाना खा लेते ना, ये गोरेला कहाँ भाग के जा रहा है। चलो चल। बाहर की दीवारों में इस गोरिल्ला की पेंटिंग है और सेम स्टैचू, क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों में? वाव। पांच कोणों में से चार कोण सक्रिय हो चुके हैं लेकिन जब तक ये पांचवा कोण सक्रिय नहीं होगा हमारा काम नहीं हो सकता। लेट मी हैंडल दिस। आराम से। अरे 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 सुती 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 संभल के। थैंक यू।
लगता है मौसम बिगड़ रहा है, चलो चिंडी यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो चल चिंडी। मौसम अचानक क्यों बदल गया? अरे चलो 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 जल्दी चलो। अरे जल्दी आइए, चलो तूफान आ रहा है, जल्दी चलो। अरे चल 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 चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे माँ माँ क्या हुआ? हाँ चलो बैठो। अरे टेबू मौसम अचानक बिगड़ने लग गया है, हमें घर चलना चाहिए वापस। आ जाओ चलो 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 चलो। मौसम कैसे बिगड़ गया? कुछ अजीब चीज हुई थी क्या? नहीं भैया अजीब तो नहीं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर के अंदर एक गोरिल्ला का स्टैच्यू देखा था और वहाँ जुगनू भी थे। ये देखिए। विवान ये वाला जुगनू मैं ले लूँ? अरे ऑफ कोर्स दीदी लीजिए। थैंक यू विवान। चले बस अगले दो घंटों के अंदर मेरा बुराई का साथी उस मूर्ति से आजाद हो जाएगा। मारने लेकिन ये गोरिल्ला अभी तक सो ही रहा है। कहीं न्यू ईयर के मौके पर अप्रैल फूल बना के तो नहीं चला गया मिस्टर भैमार? तुम्हारा बॉस हूं क्योंकि बदतमीज एहसान फरामोश अपने बॉस को एक फूंक मार कर उड़ा दिया तुमने। क्योंकि उसे पता है कि इसका असली बॉस मैं हूं। लगता है इसे बॉस शब्द ही पसंद नहीं है। पढ़ाई
खड़ा है इसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.